दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद पानी। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद पानी प्राइवेट पार्ट से अगर महिलाओं के निकलता है, कम निकलता है तो वो तो नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जब ये सफ़ेद पानी जो है एकदम गाढ़ा, चिपचिपा और बदबूदार होने लगे तो ये समझ लीजिए कि आपके ये लिकोरिया के लक्षण हैं, यानी कि आपके शरीर में लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी और शरीर में जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आएगी अगर आपने सही ढंग से इसका इलाज नहीं किया। तो आज हम आपको बताएंगे देसी नुस्खा। देसी नुस्खे के इस्तेमाल से आप महिलाएं सफ़ेद पानी का आना बंद कर सकती हैं। बहुत ही नॉर्मल सी ये बीमारी होती है, ज़्यादातर हर महिलाओं को ये हो रही है, लड़की हो, महिलाएँ हों, कोई भी हो। तो आपको अगर प्राइवेट पार्ट से जो है गाढ़ा, चिपचिपा और बदबूदार पानी निकल रहा है तो आप इसका तुरंत इलाज करें। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे मेथी दाने के इस्तेमाल से आपकी लिकोरिया को ठीक करने का उपाय। तो सबसे पहले तो आप एक बर्तन ले लीजिए जिसको हम अपनी गैस पर रख सकते हैं और उसमें हम पानी डालेंगे एक लीटर, एक लीटर या आधा लीटर, उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए हमने एक गिलास ले लिया है, एक गिलास पानी और लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दो गिलास पानी हो चुका है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो। और देखिए इसमें एक चम्मच भर के हम मेथी दाना डालेंगे, एक से दो चम्मच आप डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि हमने जो ये दो गिलास पानी लिया है ये हमारा एक गिलास पानी रह जाना चाहिए पकते पकते। इतनी देर तक आपको इसको बॉयल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको रख दिया है अपने गैस पे इसको पकने के लिए। अब हम इसको पकने देते हैं ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो दोस्तों देख लीजिए आप किस तरीके से इसमें बॉयल आ रहे हैं, इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से पकाना है ताकि इसका मेथी दाने का सारा फ्लेवर हमारा इस पानी के अंदर आ जाए। तो इसको हम पकने देते हैं और ये हमारा अब जो है पक चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो इसको हम वापस अपने गिलास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हमें इस नुस्खे का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं सिंपल, ये देखिए मैंने जो है दो गिलास पानी लिया था, एक गिलास पानी रह चुका है, इतना ही आपको इसको पकाना है। तो अब बारी आती है इस नुस्खे का आपको इस्तेमाल कब करना है। आपको इस्तेमाल करने से पहले जो है इसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। अभी इसमें भाप निकल रही है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको कर लेना है, यानी कि ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तो सुबह सुबह खाली पेट आप घोट के सबसे पहले आपको इसको बना के पी लेना है। उसके बाद में आपको नाश्ता करना है आधे घंटे के बाद, चाहे कुछ खाएँ या ना खाएँ। तो लेकिन सबसे पहले आपको इसी को खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। सवेरे उठ के सिर्फ आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, कुछ दिन करके देखिए, एक हफ्ता, आप देखेंगे आपकी लिकोरिया जो है धीरे धीरे ठीक हो रही है। यानी कि आपके जो प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी जो निकल रहा है गाढ़ा, चिपचिपा, बदबूदार, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसका कुछ दिन तक यूज़ करने से आपकी लगातार पुरानी से पुरानी जो लिकोरिया है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही देसी नुस्खे लेकर आती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।